मध्ये असं मी म्हणू शकतो ओंकार। इसी तरह इसी तरह पहले ओवर के आए हाशिम, देखना है हाशिम की पहली गेंद, गौरव के लिए बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पे, डॉट गेंद पहली गेंद, एक बढ़िया गेंदबाज देखने मिल रहा है हमें। दूसरी गेंद हाशिम की, बढ़िया गेंद, उतना बढ़िया शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा इस गेंद पे, स्कोर जहां पहुंचे एक रन पे, दो गेंदे और रुका हुआ स्कोर एक रन। अब तीसरी गेंद देखना है हाशिम की कैसी होती है, पहली बार फेस करेंगे, बढ़िया गेंद उठा के खेला, शॉट सीधा सीमा रेखा पार, शटकार। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन पे, 3 गेंदे 7 रन। एक बढ़िया शॉट देखने मिला, तीन गेंदे हो चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन पे, चौथी गेंद, एक बढ़िया गेंद, उतना बढ़िया शॉट, फील्डर है रन आउट का मौका और यहां पे रन आउट होके बल्लेबाज को आना पड़ेगा पवेलियन की लाइन। सोमजाई साई कृपा को लगता हुआ काफी बड़ा झटका ओंकार के रूम पे, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, नपी तुली हुई गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे हाशिम जी। हाँ, बड़ा क्रुशियल मुकाबला ये वाला, जो टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में जाएगी। फिर एक बार हाशिम राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे गौरव के लिए। ओहो हो, काफी बेहतरीन गेंद, समझ ना सके बॉल डांडी गुल, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहां पे हाशिम, दो कीमती विकेट, दो सबसे बड़े विकेट यहां पे। अब सोमजाई की टीम बैकफुट पे जाते हुए, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पांगलोल की जानिब से हाशिम जी। हाँ, दो बड़े कीमती विकेट, इसके पहले के मैच में देखा था कि गौरव को चांस मिला था तीन तीन दफा, तो
तो बल्लेबाजी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जिताया था यहाँ पे गौरव ने। हाशिम फिर एक बार बॉलिंग मार्क पे। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे। हो अलोंग द कार्बेट केला वो शॉट और यहाँ पे मिस फील्ड होते हुए अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन से रनों का इजाफा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। एक ओवर के इख्तिताम पे टीम का स्कोर है 8 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 बड़े कीमती विकेट ओमकार और गौरव के रूप में। जी आप बैकफुट पे जाते हुए यहां पे सोमसा है, अपने कोटे की पहली और टीम के जानिब से दूसरी ओवर लेके आए तनवीर। तनवीर एक जालाना गेंदबाज माने जाते हैं अपने टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेगा यहां पे तनवीर, परशित के लिए परशित। अंपायर का फैसला नो गेंद, जिया काफी चुस्त अंपायर। मिसफील्ड, सॉरी मिसफील्ड नहीं, फ्री हिट की गेंद, मानो मौका है अपने हाथ खोलने का बल्लेबाज को। एक बड़ा हिट गेंदबाज बैकफुट पे। तनवीर काफी एक्सपीरियंस है, देखना अपने एक्सपीरियंस का कैसे फायदा उठा पाते हैं तनवीर। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओहो हो बेहतरीन गेंद, समझ ना सके डॉट और लगभग बिछड़ते हुए सोमजाए साई ग्रुप ऑफ सोमजाई की टीम एक बेहतरीन हदफ से। तनवीर फिर एक बार परशित के लिए, ओहो उठा के खेला वो शॉट, फील्डर नीचे मौजूद, कैच का मौका काफी बेहतरीन। वसीम ये कहां छोड़ेंगे कैच, काफी बेहतरीन फील्डर बल्लेबाज माने जाते हैं अपने टीम के लिए पांगलोल के लिए। और अब नए बल्लेबाज गुरु अमृत, जी हां मेरे साथी स्कोरर मयूरेश बताते हुए कि अमृत भी महारत रखते हैं बड़े बड़े हिट लगाने में, तो अपने टीम का साथ देना होगा। टीम थोड़ी मुश्किलों में नजर आती हुई, अच्छे स्कोर खड़ा करना होगा अगर अपने टीम को, अपने गेंदबाजों को अगर रन डिफेंड कराने हैं तो। जी हां फिर एक बार तनवीर अपना अनुभव लेके राइट आर्म ओवर द विकेट अमृत के लिए, पहली गेंद उठा के खेला हुआ शॉट, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बताते हुए कि क्यों मेरे कप्तान ने मुझ पे भरोसा जताया, क्यों मुझे बल्लेबाजी को भेजा इस नंबर पे, पहली गेंद पे छक्का मार के अपने जज्बात बयान करते हुए यहां पे। जी हां ऐसे बड़े बड़े हिट्स की जरूरत है अगर टीम को अच्छा टोटल खड़ा करना, अच्छा टारगेट सेट करना होगा तो। फिर एक बार तनवीर राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे, अंपायर को क्रॉस किया, विक्टो को क्रॉस किया, ओहो हो खराब गेंद शफल किया, बाहें फैलाते हुए वाइट की सूरत में मिलता हुआ 1 रन, रनों में इजाफा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। जी हां मयूरेश ने कहा था वैसे ही बल्लेबाजी करते हुए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पे गुरु। फिर एक बार खेला हुआ शॉट, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, साथ देते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पे गुरु, 2 गेंदे 10 रन पे खेल रहे।
जी हाँ, कहीं ना कहीं तनवीर अभी बैकफुट पे जाते हुए। चार गेंदे, लाइनमैन अपना काम अंजाम दे। फिर एक बार तनवीर अपना छोर बदलते हुए, साइड बदलते हुए, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे अमृत के लिए। अमृत फिर एक बार सामना करने के लिए तैयार। ओ समझ ना सके गेंद को, डॉट गेंद। मिया जान उंड्रे और गनी उंड्रे का स्वागत करती है मैनेजमेंट, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। राइट आर्म राउंड द विकेट, बेहतरीन गेंद वापसी करते हुए तनवीर। फिर एक बार अमृत के लिए उठा के खेला शॉट, वन बाउंस बाउंड्री। जी हाँ, काफी बेहतरीन शॉट, काफी ऊंचे कद के फील्डर माने जाते हैं यहां पे महबूब, और उनके ऊपर से गेंद गई तो काफी लाजवाब शॉट कहा जा सकता है। गैप में खेला था, गेंद जाते हुए चार रनों के लिए। मानो अमृत जब से बल्लेबाजी करने गए तब से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, चार गेंदों में 14 रन बनाए, तालियां बजनी चाहिए, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, दो ओवर के इख्तिताम पे लॉस ऑफ टू विकेट्स, थ्री विकेट सॉरी। जी हां सज्जाद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। राजू के लिए सज्जात, पहली गेंद समझ ना सके, अंपायर का इशारा, डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। बस एक नसीहत करना चाहूंगा, जब आपके सामने वाला बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक रन निकाल के उस बल्लेबाज को अपना काम करने का मौका दे। फिर एक बार सज्जात लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, खराब गेंद, खराब शॉट, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। रनों में इजाफा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। जी हां अमृत एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, आमना सामना सज्जात वर्सेस अमृत, पांगलोली वर्सेस सोमजाय श्रीवर्धन। जी हां लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे बॉलिंग मार्क पे। खराब गेंद, वाइड गेंद, एक्स्ट्रा से बचना होगा। अमृत फिर एक बार, ओहो ब्लॉक होल वाली गेंद, बल्ले को गेंद लगती हुई, अपील तो काफी बढ़िया थी पर अंपायर पे कोई फर्क नहीं। रनों में इजाफा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। फिर एक बार सज्जाद को हो, काफी बेहतरीन कीपिंग यहां पे, आउट। अब नए बल्लेबाज साजिश, जी हाँ मेरे साथी स्कोरर मयूरेश बताते हुए कि ये जो बल्लेबाज है ना, ये दो गेंदों में दो छक्के लगाने की भी महारत रखता है, हार्ड हिटर माना जाता है,
सोमजय शिरवर्धन की जानिब से। देखना है अब उम्मीदों पे खरे उतरते क्या। टीम का स्कोर 27 रन, चार विकेट के नुकसान पर। कितने बोला नंबर के आखिरी दो गेंद सज्जाद की। ये दो गेंद खेला हुआ टैप शॉट रनआउट, तालमेल में कमी यहां पे रनआउट होके हिम्मत भाई मोड़क जा कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आके अपनी जगह संभाले हिम्मत भाई। दर्शक बेचैन हो रहे आपकी सुरीली आवाज सुनने के लिए। डॉट गेन फिर एक बार आगे की कहानी इमाद भाई की जुबानी। हेलो, देखिए इस मैच के लिए मियां जान उनरे भी आ चुके हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चूंकि हमारे वजाद भाई नाड़कर के साले साहब है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ, मैच की तरफ रुख करते हैं। 30 रन का लक्ष्य रखा है। पहले सत्र में जो मैच समरी आपके सामने, अमृत बोरकर 5 गेंदों में 15 रन, ओमकार दातार जो 2 गेंदों में 6 रन बनाकर वापस लौटे, साजेश भाटकर अभी अभी गए थे, और जिस तरीके से सज्जाद क्या ओवर की, 1 ओवर में 4 रन। हाँ, 30 का लक्ष्य है, 1 ओवर में 4 रन और 1 विकेट। हाशिम ने 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, और तनवीर की ओवर में आए 16 रन 1 विकेट, यानी तीनों गेंदबाजों ने सफलता के करीब गए और रनआउट के रूप में 2 विकेट भी मिले। चलो वक्त की कमी है, फटाफट फील्डिंग सजा लीजिए। समीर नाड़कर प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ। अठारह बॉल में 30 की जरूरत है। ओमकार पहली ओवर लेकर मेन अंपायरिंग पर सुमित देशमुख सर, उनके साथ में अभय सर। बहुत ही अच्छी गेंद, देखिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट होकर चली गई थी सीधी विकेट कीपर के हाथों में। चूंकि ओमकार एक देखा जाए तो ऑफ कटर की बॉलर की हैसियत से बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद उनकी, देखिए पिचिंग की बात करूं तो ऑफ स्टिक के बाहर गेंद गिरी और गेंद बाहर की तरफ मुड़ी, और इस बीच
ये देखिए इस वाली गेंद पर ऑन ड्राइव के रूप में ये स्ट्रोक, एक रन के साथ खाता खुला है बल्लेबाज का दूसरी गेंद पर। इसी तरीके से पहले सत्र के पहली ओवर के दूसरी गेंद पर एक आया और दूसरे सत्र के पहली ओवर के दूसरे गेंद पर एक आया। वाह, इसी तरीके का समीकरण है, 30 का पीछा करना है। शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ ये मुकाबला देखना है कि जिस तरीके से समंदर की आगोश में सूरज गुरूब होता हुआ, क्या ये मुकाबला किसके हक में जाएगा, ये देखना है। एक तरफ देखा जाए तो कल के दूसरे दिन में अगर सेमीफाइनल में कोई जगह बनाने वाली टीम होगी तो इस इलाके की मेज़बान टीम। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सामने की तरफ हल्के हाथों से स्टीयर करते हुए नजर आए वसीम। हजा असवारे आपका स्वागत है, जो शाम के इस मैच में हमारे बीच उपस्थित दिखा रहे, आपका स्वागत है। ये देखिए तान दिया हवा में, गेंद चली लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से सीधी 6 रनों के लिए षटकार सिक्सर। ये देखिए गेंद जा रही है जा रही है जा रही है सीधी फील्डर के ऊपर से। अजब असवारे को सलामी देती हुई गेंद आ गई सीधी बाउंड्री लाइन पर, 6 रन। देखिए हमारे आजा भाई असवारे से गेंद भी कितनी चिपकी हुई थी, सीधी उन्हीं की तरफ आई। एक क्रिकेट पर मोहब्बत दिखाने वाले शख्सियत है जो मैच को आने के बाद रौनक बढ़ जाती है। हमारे अहमद दनसे के खास, और ये देखिए एक खासम खास स्ट्रोक था, क्रैकिंग कवर ड्राइव, फिर एक बार खेला हुआ स्ट्रोक। यकीनन ये स्ट्रोक को देखकर हमें अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की याद ताजा होती है। यकीनन मुझे इसको देखकर आकाश तारेकर और सुमित डोंगरे की याद ताजा हो गई। ये देखिए कैमरामैन वर्क कर रहे, बहुत ज्यादा खुश है हमारे जिस तरीके से रिजवान पेवेकर। मैच की तरफ रुक करते, जहां पर 5 गेंदों में 12 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले में फिर एक बार गेंद को स्विंग किया था सीधी विकेट कीपर के हाथ में। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 12। स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे, अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन की जरूरत। इस बीच ये एक रन, पहला ऐसा मुकाबला होगा बड़ी शांति से चल रहा है। लेग बाइस के रूप में ये रन था, देशमुख सर का इशारा, बाइट से आया हुआ एक रन। ये देखिए फिर एक बार लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, लेकिन क्या फील्डिंग है, जी हाँ दौड़ लगाए उसी तरीके से अपने आप को स्ट्रेच किया। खलील भाई जो कि कुवैत से मैच को लाइव देख रहे हैं, जी हाँ कल तक तो मुंबई में थे और आज चुके कुवैत से मैच को देख रहे हैं। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से।
ये देखिए फिर एक बार बैकफुट पर जाकर उसे पंच कर दिया है डीप कवर के क्षेत्र में, सुपर से ऊपर वाला सुपर डुपर चौकार, चार चार चार। ओहो क्या स्ट्रोक मारा है। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ गया है 19 पर 19। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए बैक ऑफ द हैंड गेंद को डाला गया था इस गेंद की अगर हम बात की जाए तो, लेकिन इस गेंद पर भी कारपेट के सहारे खेल दिया था। अब गेंदे बची हुई 8 और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत। एक तरफ देखा जाए तो सोमजाई साई कृपा श्रीवर्धन की टीम, दूसरी तरफ पांगलोली, कौन जाएगा सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए, तीसरी टीम। और इस बीच देखिए फिर एक बार देखिए इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जा रही है धन 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 आती हुई, 4 रन सीधी डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। चार के साथ अब जीतने के लिए 7 गेंदे और 6 रन की जरूरत है। और इस बीच देखिए सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव देखने मिला है, कितने रन देकर जाएगी अगेन। जी हाँ 1 रन तो हो गया, यानी अब यह मुकाबला आखिरी ओवर में। छह गेंदे और 5 रन की जरूरत। ये वो मैच है ये इस तरीके का जो लम्हा हमें आता है देखने के लिए। मुझे याद है 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी और ओएस ने स्कोरिंग छोड़कर पीछे चले गए थे क्योंकि भाविक हो चुका था वो खिलाड़ी खास सिंधुदुर्ग से। आज स्कोरिंग के लिए हमारे साथ पहले दिन से तीसरे दिन तक जुड़े हुए, उन्हें डर था कि हमारी टीम का क्या होगा, लेकिन ओएस को पता है कि इमाद भाई ये वही आंकड़ा है जो इससे पहले वाले सीजन में 6 गेंदों में 5 रन बानकोट की टीम ने नहीं बनाए थे। 5 गेंदों में 4 बॉल में 5 रन बने थे। हाँ 5 गेंदों में जिस तरीके से रन बने थे और फिर वो मुकाबला 4 गेंदों में 5 पर आ चुका था वो गेंद डॉट, और फिर 4 गेंदे और 5 रन नहीं बने, ये इक्वेशन था और मुकाबला हाथ से निकल गया था बानकोट के। बिल्कुल यही वो आंकड़ा है ओएस मुझे बताते हुए। बिल्कुल ओएस की अगर मैं बात करूं तो ग्रेसनिंग पावर बहुत अच्छी है, वो मुझे बता रहे कि हिम्मत भाई ये वही आंकड़ा है जो आफ्ताब वालवटी और मेयर 11 टेम्पला के बीच में हुआ था, 6 गेंदे और 5 रन नहीं हुए थे। अब देखना यही वो शाम का मंजर था। बॉलिंग पर फिर एक बार बॉलर तैयार, विकेट जाने का खतरा, ओहो विकेट पकड़ लिया कैच। बिल्कुल सही कहा था ओएस, आपका कहना सही हो रहा है, बैट्समैन से गेंद को दूर रखा था, अवे फ्रॉम द बॉडी से खेलने की कोशिश की। अगर आप कवर ड्राइव लगाने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल आपको गेंद के करीब जाना है। कुणाल सर आपने गेंद को अपने आप से दूर रखा, और अगर आप प्यासे हो तो कुएं के पास आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन दूर से खेलने की वजह से अपना विकेट गंवाया और अब गेंदे बची 5, जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। यकीनन इस ग्राउंड के लिए जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं और ऑर्गेनाइजरों ने मेहनत की है, ये मंच सजाया है, ये जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, इन मेहमानों को जो देखने का मौका फराहम किया है, हम नारायण शिंदे का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस ग्राउंड को हमें जो कॉपरेट किया है, सपोर्ट किया है, जो परमिशन दी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। तुमचं कौतुक करतो आम्ही, कारण की या स्पर्धेला तुमचं सुद्धा योगदान आहे, तुमचं सुद्धा सहकार्य आम्हाला लाभलं आहे। चला मॅचकडे आपण पाहतोय, जिथे 5 चेंडू आणि 5 धावांची गरज, अगदी बरोबर म्हटलात ओएस तुम्ही, असाच काय सामना रंगला होता आफ्ताब बॉलवटी आणि मेहर 11 टेम्पलाचा। सेकंड राउंड था, प्री क्वार्टर फाइनल वाला मैच था वो, आज भी याद है ओएस को, ये ग्रेसनिंग पावर है और आज जिस तरीके से हमारे बीच। चलो मैच को फास्ट के लिए कुछ अनुमान लगाया जा रहा है विकेट के बाहर, ग्राउंड के बाहर, लेकिन हुआ कुछ और। देशमुख सर का इशारा
गेंदबाज ने अलग मोहल्ले में चले गए थे व्हाइट की वजह से, अतिरिक्त रन कहा ना कहा। परीक्षित अपनी गेंद पर लाइन लेंथ भूल चुके हैं, पांच गेंदे जीतने के लिए चार की जरूरत। और ये हवा में है, ओहो विकेट जाने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे और ये क्या हुआ, कैच ड्रॉप, हर्ष के हाथ से कैच छूट गया। एक बेहतरीन मौका मिल रहा था आणि प्रत्येक खिलाडू म्हणता है अरे घे ना यार कैच ड्रॉप। नक्कीच या जेल मध्ये भरत काय सांगण्यासारखं होतं, नक्कीच गौरव बोरकर सुद्धा विचार करत असतील की कॅच घे मित्रा, कॅच खूप इम्पॉर्टंट होता कारण की मॅच आलेला आहे चार चेंडू आणि तीन धावांवर, प्रत्येक धाव खूप महत्त्वाची आहे। चार गेंदों में तीन रन की जरूरत, अब देखना है गौरव बोरकर क्या स्ट्रैटेजी निभाते हैं, क्योंकि श्रीवर्धन की एक मेवा ऐसी टीम है जिसके अंतर हमें साजू जैसे, साजू भाटकर जैसे अनुभवी खिलाड़ी खेलते हुए देखने मिल रहे हैं। और इस बीच देखिए कुछ अलग करने गए, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद पुल कर दिया और फिनिश कर दिया, ये ऐसा हम कह सकते हैं। इस मुकाबले को पांगलोली की टीम ने 9 विकेटों से जीता है और तीसरी टीम तीसरे दिन में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने वाली। जैन 11 पांगलोली आपको यह जीत मुबारक, शुएब भाई आपको यह जीत मुबारक। जैन ये मुझे पता नहीं किसका नाम है, जैन एन शारिक 11।